लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इन हाजियों का नाम, फोन नंबर, 1514 हाजीज जो कोटा न होने के बावजूद हमने मैनेज कराया, उनको भेज दिया। ये जब आप आखिर में हर एक अपनी अपनी एक कॉपी ले सकते हो, मेरे पास ये ई कॉपी भी है, उसमें भी आप ले सकते हो। और जो हमारे पास कोटा था वो 370 पिलग्रिम्स थे, वो भी एक आपके पास पूरा कंप्लीट लिस्ट है कश्मीर के अंदर, कश्मीर से 370 लोग। इस साल हर साल इजाफा होता है, हर साल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 70 लाख मुस्लिम आबादी है कश्मीर के अंदर, कमोबेश ज्यादा होगी कम नहीं, मैं 70 लाख अगर ले लूंगा, अगर 70 लाख लोगों में आप किसी से भी पूछोगे, हज जाने की ख्वाहिश दिल में हर एक को है, 70 लाख के 70 लाख लोगों को। और अगर हम लेते हैं 1% को हम हज पे भेजेंगे, ये 70,000 लोग हो जाते हैं। तो हमारे पास कोटा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं कोटा है। अगर ये इस पॉपुलेशन में 1% हज पे जाना फैसला करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोटा नहीं है, हमारे पास कैसे कोटा? जो हज टूर ऑपरेटर्स का कोटा, ये टोटल उतना कोटा है। अभी भी हम एस्पायर इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि लोग है ही नहीं तैयार, हम उनको लेने के लिए तैयार ही नहीं, हमारे पास जरिया ही नहीं उनको हज पे लेने के लिए। पिछले साल जितने लोग गए प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स और हज कमेटी के साथ, ये 0.12% ऑफ पॉपुलेशन है। अब इस साल अब हमारे पास कोई 4,000 से 5,000 लोग परेशान हैं, उनको किस तरह से हम हज के लिए भेज दें, उनके फॉर्म्स हमारे पास आए हुए, उनके नाम आए हैं। मेरे पास कोटा मसलन रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर 100 होगा, लेकिन 500-600 मेरे नाम लिखे हुए हैं, हमको जी आप अकोमोडेट करना, मैं 600 लोगों को कैसे अकोमोडेट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मेरे पास 100 का कोटा होगा। तो फिर यही परेशानी हमें हो जाती है, फिर हमें बाकी जितने भी ऑल इंडिया लेवल पे जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनके साथ अकोमोडेट करना पड़ता है इन लोगों को। हम उनको मिन्नतें करते हैं, अपने कंपनीज में से अगर उनके पास 100 कोटा होता, 20 लोग 15 लोगों को एडजस्ट करके वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन लोगों को भी। इस साल भी हम जगह के जरिए से तमाम ऑल इंडिया लेवल पे हमारे लोग एज ए डेलीगेशन दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, जो भी बड़ी बड़ी सिटीज है जहां से कोटा ज्यादा होगा, वहां पर जाएंगे, उन लोगों से मीटिंग्स मुलाकात करके उनको रिक्वेस्ट करके अपने लोगों को इंशाल्लाह हज पे आ जाए। मुझे जो अंदाजा है इस साल हम करीब 3,000 लोगों को यहां से हज पे, अगले साल जब हम मिलेंगे तो मैं आपको वो फिगर दे दूंगा, 3,000 इंशाल्लाह। ये तो थी हज की बात। अब ये परवेज साहब ने हमारा एक बता दिया, ये 70,000 लोग अगर उमरा पे जाना चाहें, उमरा तो जा सकते हैं, कोई पर रुकावट नहीं है, हज पे नहीं जा सकते क्योंकि कोटा है, उमरा में कोई कोटा नहीं है। 70,000 लोग अगर उमरा पे अगले 70,000 लोगों को ले जाएं, नहीं, हम लोग तैयार नहीं है। मैक्सिमम कमोबेश हमारे पास 100 कंपनीज है, और 70,000 रुपए जाने वाले हो तो ये एक एक कंपनी के कितने लोग आ जाते हैं, 700 लोग नहीं है। एक इसमें एक ऐसी कंपनी भी है जो दूर दराज इलाकों में है, जंगलों में है, वो ज्यादा से ज्यादा 10-15-20 लोगों को अपने साथ ले सकता है। तो मैं इधर जगह हक के इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे क्वालिफाइड यूथ है, हमारा मोस्टली जो MBA है, टूरिज्म से हो या फिर किसी जनरल लाइन से हो, मैं उनको दावत देता हूँ। हमने एक प्रोग्राम भी शुरू किया था, उसमें मीर साहब और हमारे एक माजिद पार्टनर साहब जो काउंसिल है जिद्दा भी रहे हैं 3 साल, एक्स फॉरेन ऑफिसर भी थे, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट करके कश्मीर यूनिवर्सिटी से बोला था कि हम उनको, इन लड़कों को, इन बच्चों को 2 महीने की ट्रेनिंग देकर 2 महीने के बाद इंशाल्लाह वो फुली इक्विप्ड होंगे, वो अपनी कंपनी काम कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सलीम भट्ट है, मैं प्रोपरेटर हूँ अल हरमैन हज एंड उमरा सर्विसेज का, और मैं मीडिया सेक्रेटरी हूँ जका हक का, जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उमरा कंपनीज का। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो प्रोग्राम था वो इस बिना पे था, चूँकि जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उमरा कंपनीज की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह 3 ट्रैवल कंपनीज जो जिनका उमरा एग्रीमेंट अब अपना हो गया, चूँकि उमरा एग्रीमेंट कंपनीज होने के बावजूद भी हमें पासपोर्ट सबमिट करने पड़ते थे सऊदी काउंसलेट में, चूँकि सऊदी काउंसलेट में सबमिट करने के बाद तकरीबन उसको 7 दिन लगते थे और हमारा रिस्क फैक्टर हाई रहता था पासपोर्ट गुम होने का, पासपोर्ट पहुँचने का। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले
मतलब एक दिन से सऊदी काउंसलेट को हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि हमें ये फरहम आप यहीं पे दे दो ताकि हम ई वीज़ा शुरू करें, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो कर दिया और हमने आज आप लोगों के सामने तकरीबन 3 से 4 वीज़ा इशू करा दिए जिनका अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग 16 मिनट से लेकर 20 मिनट तक वीज़ा प्रोसेस होता है, और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हज एंड उमरा इंडस्ट्री में। और अल्हम्दुलिल्लाह इन ज़िमनों में हमने एक दूसरे से कंधे मिलाकर चले, जिनमें पर्टिकुलरली जो हमारे रहनुमा आगे आगे रहे जिसमें से डॉक्टर ज़हूर मलिक थे और हमारे जो चेयरमैन साहब और प्रेसिडेंट साहब फैरोज शेख साहब थे, उनकी वसादत से ये सारी चीज़ें हमें आसान मुहैया हो गई।